मित्रों, बुद्ध कहते हैं, हम जो कुछ भी है वह हमारे विचारों के परिणाम है। आज का ये दिन हमारे विचारों पर ही आधारित है और हमारे विचारों से ही बना है। बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था कि ब्रह्मांड में कोई भी घटना या अनुभव पूरी तरह से नया नहीं है। आप जो कुछ भी देखते हैं और अनुभव करते हैं वह सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि कई बार पहले ही हो चुका है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि आकर्षण का नियम कोई बिल्कुल नया विचार नहीं है। अच्छे विचार मन में लाएं और आप अच्छे बन जाएंगे, बुरे विचार मन में लाएं और आप बुरे बन जाएंगे। जैसे आप अपने मन में विचार लाते हैं आप बिल्कुल वैसे ही दृश्य बनाते जाते हैं, यानी कि आपके विचार जैसे होते हैं आप बिल्कुल वैसे ही कल्पना करते हैं, और जैसे आप कल्पना करते हैं, जैसे आप विजुलाइज करते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसी को तो आज के ज्ञानी लोग विजुलाइजेशन टेक्निक का नाम दिया गया है। विजुलाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह होता है कि वो सभी दृश्य आप अपने मन में देख रहे हैं, आप अपने मन में छवि बना रहे हैं। तो जैसा आप अभी वर्तमान में करते हैं, वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में रहते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही बनते चले जाते हैं। और यहीं से तो आकर्षण के नियम की शुरुआत होती है, जो ये कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करता है। बुद्ध कहते हैं कि आप भीतर से जैसे होते हैं आपको बाहरी दुनिया भी वैसे ही नजर आती है। अगर आप बुरे हैं तो आपको इस पूरे संसार में बुरे व्यक्ति ही नजर आएंगे। अगर आप भीतर से अच्छे हैं तो आपको इस पूरे संसार में सभी लोग अच्छे लगेंगे। अगर वास्तव में देखा जाए तो आप जैसे हैं, आप अपने भीतर जैसी ऊर्जा बना रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही ऊर्जा वाले लोगों को, ऊर्जा वाले जगहों को आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ से भी आकर्षण का नियम समझा जा सकता है। अगर आप पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आज मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ या मेरे पास बहुत पैसे कमाने की क्षमता है, तो आप बिल्कुल वैसे ही बनते चले जाएंगे। और ये सभी चीजें, सभी विचार आप अपने कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन में सोचते हैं, और आपका अवचेतन मन यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सभी चीजों को ला कर देता है जिसके प्रति आपने विचार किया था। आइए इसे ठीक से समझते हैं कि आज के ज्ञानी लोग इस बारे में क्या समझाते हैं, कैसे हम अपने जीवन में आकर्षण के नियम को ठीक से इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इसका भरपूर लाभ उठा पाए। नेविल गोडार्ड एक प्रमुख आध्यात्मिक शिक्षक और लेखक थे जो कल्पना और अवचेतन मन की शक्ति पर अपनी शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। उनके तरीकों ने अनगिनत लोगों को अपने सपनों को हासिल करने और अपनी इच्छा अनुसार जीवन बनाने में मदद की है। क्या आपने अपने जीवन में कभी यह महसूस किया है कि आपका जीवन कुछ महीने बहुत ही स्मूथली चलता है? आपके जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो सब कुछ दूर हो जाती है, सब कुछ स्टेबल रहता है, आपके रिलेशंस बेटर रहते हैं, और वास्तव में अगर देखा जाए तो अबंडेंस की समग्र भावना आपको घेर लेती है। लेकिन ये सभी सुख सुविधाएं ज्यादा दिनों तक नहीं रहती, ये बस कुछ ही महीने आपके जीवन में रहते हैं, और कुछ महीनों के बाद आप देखते हैं कि आप अपने जीवन में कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पास पैसों की तंगी, तनाव, फैमिली रिलेशनशिप की समस्या, इस तरह ना जाने कितने नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन को घेर लेती है, जिसका परिणाम स्वरूप आप और अधिक नकारात्मकता में जाने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके पुराने कर्मों के परिणाम जरूर होते हैं। लेकिन क्या इन तरह की समस्याओं को दूर किया जा सकता है? क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एक वर्ष में 12 के 12 महीने मेरे बिल्कुल एक जैसे गुजरे? नेविल गोडार्ड बार बार कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज लाने से पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को समझना होगा, हमें अपने आप को समझना होगा, क्योंकि अबंडेंस पाना, समृद्धि पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इसे आकर्षित नहीं कर रहे हैं बल्कि यह हमारे पास मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसे हमें समझना होगा, हमें अपने भीतर की दुनिया को ठीक करना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे कर्म हमारे भीतर की दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने भीतर की दुनिया को समझ लेते हैं, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को पहचान लेते हैं, तो हम अपने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को भी कम कर पाएंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में हम मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड में यानी कि अभिव्यक्ति की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं, और पैसे या जीवन में आपकी इच्छा अनुसार किसी भी चीज को प्रकट करने के लिए नेविल गोडार्ड के सबसे शक्तिशाली विजुअलाइजेशन तकनीकों में से एक की खोज कर रहे हैं। उसके बाद वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसे अगर हमने अपनाया तो हम भी अपने जीवन को, अपने वर्ष के सभी महीनों को सभी चीजों के अबंडेंस के साथ भर देंगे। मतलब हर महीने हमें पैसों की कमी नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप्स मेथड बताऊंगा जो कि सबसे शक्तिशाली विजुअलाइजेशन तकनीक के बारे में है। इसलिए वीडियो में एक भी पॉइंट मिस ना हो, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आइए इसे ठीक से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि आखिर नेविल गोडार्ड की ये तकनीक
इतनी प्रभावी क्यों है। नेविल का मानना था कि कल्पना वास्तविकता का निर्माण करती है। उन्होंने सिखाया कि अपने वांछित परिणामों के स्पष्ट रूप से कल्पना करके, मतलब अपने डिजायर्ड आउटकम्स के प्रति ठीक से इमेजिनेशन का उपयोग करके और ये महसूस करके कि यह पहले से ही हासिल हो चुका है, आप उस इच्छा को अपनी भौतिक वास्तविकता में ला सकते हैं। उनकी शिक्षाएं इस विचार पर आधारित है कि हमारा अवचेतन मन यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और हमारे विचारों और विश्वासों के आधार पर हमारे अनुभवों को आकार दे सकता है। इसलिए हम अपनी आंतरिक दुनिया को बदलकर हम अपनी बाहरी दुनिया को बदल सकते हैं। नेविल की सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक को द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड के नाम से जाना जाता है। यह तकनीक आपकी कल्पना का उपयोग करके आपके वांछित परिणाम की एक ज्वलंत मानसिक तस्वीर बनाने के बारे में है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात उन भावनाओं को महसूस करना जो आप महसूस करेंगे, यही कि वह इच्छा पहले से ही पूरी हो गई है। नेविल कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में इच्छा या पैसे या कोई भी अबंडेंट वाली लाइफ आसानी से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इन चार प्रोसेस को अपने जीवन में आज से ही लागू कर लो, फिर आप देखेंगे कि पैसे, इच्छा या कोई भी अबंडेंट वाली लाइफ किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड में आप आसानी से अबंडेंस को पाएंगे, प्रचुरता को पाएंगे। बस इन प्रोसेस को ठीक से समझे और अपने जीवन में आज से ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बदला है, इसलिए मैनिफेस्टेशन जर्नी की इस प्रोसेस को, इस तकनीक को ठीक से समझिए। स्टेप 1, डिफाइन योर डिजायर, अपनी इच्छा को परिभाषित करें। पहला कदम यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है कि आप क्या चाहते हैं। यह अधिक पैसे, बेहतर स्वास्थ्य, नई नौकरी, प्यार भरा रिश्ता या कुछ और जो आप चाहते हैं, ये आपके लाइफ में कुछ भी अबंडेंस हो सकता है। जितना संभव हो उस विषय से जुड़े रहे। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक धन प्रकट करना चाहते हैं, अधिक धन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वह सटीक राशि तय करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप महीने के 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो वह सटीक राशि यानी कि 2 लाख रुपए आपको तय करना होगा कि मुझे हर मंथ 2 लाख रुपए चाहिए। सबसे पहले आपको एग्जैक्ट अमाउंट की इच्छा रखनी होगी। ऐसा नहीं आपको सोचना है कि आप अधिक पैसे कमाना चाहते हैं, आपको एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचना है कि आप आखिर कितने पैसे कमाना चाहते हैं। एक बार जब आपने अपने डिजायर्ड अमाउंट को परिभाषित कर लिया है, तो उसे आपको कागज या कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि आपके द्वारा यही लिखने की एक्टिविटी आपके दिमाग में इसे ठोस बनाने में मदद करता है और आपको ये ध्यान केंद्रित करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य देता है। स्टेप 2, एक जीवंत मानसिक चित्र बनाए, क्रिएट अ विविड मेंटल पिक्चर। इस स्टेप में अपनी आंखें बंद करें और आराम करें। अपने मन को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें। एक ऐसे दृश्य की कल्पना करें जिसका अर्थ यह है कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप धन का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि आपके पास उतना ही धन है जितना आप चाहते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आप उस अमाउंट को कमा रहे हैं, वो पैसे आपके हाथ में है, 2 लाख के नोटों की गड्डी आपके पास है। पैसों की कड़कड़ाहट को महसूस करें, पैसों के उस वजन को महसूस करें, अपने हाथों में बिलों की बनावट या सिक्कों के वजन को महसूस करें। अपने आप को ऐसी स्थिति में चित्रित करें जहां आप वह पैसा खर्च कर रहे हैं या वह पैसा प्राप्त कर रहे हैं। मतलब मिला जुला कर बात यही है कि आपको उस तरह की लाइफ में जीना होगा कि जब आपके पास 2 लाख रुपए आ रहे हैं, तो आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यह आपको इमोशनली जीना होगा या आपको मेंटली जीना होगा, मतलब ये आपको विजुलाइजेशन में जीना होगा। भले ही वो आपके लिए रियल ना हो, लेकिन आपको विजुलाइजेशन में इसे रियल तरीके से जीना होगा, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान सके। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप किस तरह का जी रहे हैं, रियल जी रहे हैं या फॉल्स जी रहे हैं, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं पकड़ पाता है। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू एक क्लियर डायरेक्शन देना है। यहाँ पर मुख्य बात यही है कि दृश्य को यानी कि इमेजेस को, सीन को यथासंभव विस्तृत और यथार्थवादी बनाया जाए, जितना डिटेल्ड और रियलिस्टिक हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उसे उस तरह का बनाया जाए। आप इस दृश्य में क्या देखते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या सुनते हैं, चखते हैं और क्या महसूस करते हैं, इसमें आप अपने सभी इंद्रियों को संलग्न करें। आपका विजुअलाइजेशन जितना विविड और लाइफ लाइक होगा, यानी कि जितना रियल और सजीव होगा, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। स्टेप 3, फील द इमोशंस, भावनाओं को महसूस करें। यह स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जैसे ही आप अपने वांछित परिणाम की कल्पना करते हैं, उन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें जो आप महसूस करेंगे। यदि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो गई है तो खुशी, कृतज्ञता, उत्साह और राहत महसूस करें, जैसे कि यह अभी हो रहा है। ये भावनाएं आपकी अभिव्यक्ति के पीछे प्रेरक शक्ति है, मतलब आपके ये इमोशंस मैनिफेस्टेशन के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है, जो लगातार पीछे से मैनिफेस्टेशन को धक्का दे रहा है ताकि आपका मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत ही तेजी से चल सके। नेविल ने इस बात पर बहुत ही जोर दिया है कि हमारे भावना ही रहस्य है, हमारे फीलिंग्स ही सीक्रेट है। आपकी भावनाएं जितनी अधिक मजबूत और वास्तविक होंगी, आप अपने अवचेतन मन के साथ उतने ही अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करेंगे, और जितना अधिक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उतना ही अधिक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अनुसार चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अधिक धन की कल्पना कर रहे हैं, यदि आप 2 लाख रुपए महीने की कल्पना कर रहे हैं, तो वित्तीय स्वतंत्रता पाने का उत्साह महसूस करें। वो एक्साइटमेंट को, वो फाइनेंशियल फ्रीडम को आपको महसूस करना है। कर्ज चुकाने की राहत या कोई ऐसी चीज खरीदने की खुशी की कल्पना करें जो आप हमेशा से चाहते थे। इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ भी चीज पाने का सोचते हैं या बहुत अधिक पैसे कमाने का सोचते हैं, तो उसी सोचने के दौरान हम नेगेटिव सोचने लगते हैं कि शायद उतने पैसे में कमा पाऊंगा या नहीं, मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं, और कहीं ना कहीं हमारी सकारात्मक भावनाएं उस वक्त हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पर हमारी नकारात्मक भावनाएं अवरोधक का काम करती है। इसलिए उस वक्त आपको बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं सोचना है। जब आप खुशी, कर्ज चुकाने की राहत महसूस कर रहे हैं, पैसे कमाने की खुशी महसूस कर रहे हैं, तो उस वक्त अपने इमोशंस को अपने ऊपर पूरी तरह से हावी होने दें और खुद को पूरी तरह से उस अनुभव में डुबो दें। तभी आप अपने जीवन में एक चमत्कार को देखेंगे। स्टेप 4, रात्रिकालीन दोहराए, रिपीट नाइटली। कंसिस्टेंसी इज की। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रोसेस में कितने कंसिस्टेंट है। इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को रात्रिकालीन अभ्यास बनाएं। सोने से ठीक पहले अपने डिजायर्ड रिजल्ट की कल्पना करें और उससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करने में कुछ मिनट बिताएं। सोने से पहले उनिंदापन की स्थिति आदर्श होती है, क्योंकि इस समय आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। स्टेप 5 और लास्ट प्रोसेस, प्रक्रिया पर भरोसा रखे, ट्रस्ट द प्रोसेस। अंत में नेविल गोडार्ड यही कहना चाहते हैं कि इस मैनिफेस्टेशन जर्नी की प्रक्रिया पर भरोसा रखे और किसी भी संदेह या चिंता को छोड़ दे। भरोसा रखे कि आपकी इच्छा आपके पास आ रही है, कैसे और कब, इसके बारे में सोचने से बचे, क्योंकि ये पूरा और पूरा ब्रह्मांड का काम है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। जिस तरह आप भीतर की दुनिया को बनाते हैं, मतलब जिस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बनाते हैं, आपके बाहर की दुनिया भी वैसे ही बनती चली जाती है। जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करके आपको हर वो पॉसिबिलिटीज ला कर देता है जिसके आप वास्तविक हकदार है। इसलिए आपके जीवन में कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में मत सोचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके भीतर नेगेटिव एनर्जी को वाइब्रेट करती है, नेगेटिव एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती है। बस सकारात्मक और अपेक्षित दृष्टिकोण बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें और अपना विजुअलाइजेशन अभ्यास जारी रखें। नेविल गोडार्ड के ये कोट्स बाइबल में बहुत ही फेमस है। When you pray, believe that you have received it and it will be yours. जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें कि आपने इसे प्राप्त कर लिया है और यह आपका हो जाएगा। यह उनकी शिक्षा का सार है। विश्वास करें और महसूस करें जैसे कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है और यह आपके जीवन में प्रकट होगी। नेविल गोडार्ड बार बार कहते हैं कि सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन की चाबी यही है कि आप इसमें कितने परसिस्टेंट है, कितने दृढ़ता के साथ और कितने जेन्युइन बिलीफ्स के साथ इसे अपने जीवन में अपना रहे हैं। इस तकनीक का नियमित रूप से अभ्यास करें और देखें कि आपकी इच्छाएं आपके जीवन में कैसे प्रकट होने लगती है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, जो भी इच्छा आपकी है, वह बहुत ही आसान तरीके से आपके जीवन में पूरे होते रहेंगे, जो कि आपके जीवन में एक नई दिशा देने का काम करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।